ग्रीष्म प्रधान आर्चपल्ली आम सहित सीधा सड़क जोड़ी ग्रीष्म किभली से चित्र देखुं बात्या को लेकिन जहाँ भी क्लीयर पिक्चर आम शुणु प्रतिक्रिया शुणुते एम डी डीजी प्रतिक्रिया शुणुते प्रत्येक जिनस को नहीं बर्तमान प्रशासनिक अधिकारी जहाँ प्रतिक्रिया दे समस्ते प्रस्तुत अच्छा समस्त प्रभावित जिलार जिलापा सूचना दिखाई निर्देश दिखाई प्रस्तुत रहा तेज प्रस्तुति आपठी कि देखुं निश्चित भाव देखो जो भाव गंजाम जिला प्रशासन पक्षर प्रस्तुति शेष पर्यायर कहीं सका जो भाव गुरुत्वपूर्ण बैठक होता जो थे लाइन डिपार्टमेंटर समस्त अधिकारी उपस्थित थे समस्त को सजग रहा कहला कहीं जो अधिकारी को हेडक्वार्टर छाड़ापाई 26 तारीख पर्यंत हेडक्वार्टर छाड़ापाई मना होता सहित गोटे जो रही गोटे गुरुत्वपूर्ण सूचना दि जाऊँच जो कि गोटे 24x7 जो भाव गोटे करें समस्त अपडेट रे तो आम बर्तमान आर्जेपल अच्छु आर्जेपल चित्र देखू कि प्रभाव देखा दे सत कथा कितु कैमेरा पर्सन अच्छे दृश्य देखे समुद्रर कितु वर्तमान समय समुद्र स्थिर अच्छी कितु आर्जपल्ली हूँ गोटे डेंजर जोन जोटि की वर्तमान समय ये ग्राम ठार मात्र 50 मीटर दूर समुद्र अच्छी तेणु आवश्यक स्थल ये आर्जपल्ली लोक मत स्थानातरण कर लक्ष्य रखा जाए आम सहित मत्स्यजीवी मैंने अच्छा प्रतिक्रिया ना आज्ञा के भयभत हो अच्छा कहीं सरकार कहते भयभत होवार कारण ना कमी देखुं मछ मारे आप मना माछ मारे माने पानी एम आम पानी आउ जाऊँगी आम टे भय लगुच भाई एवं गाँ से खाई के देखो सी ये गोटे फोड़गला फोड़ला भाई भाई फोड़ला आम कौन बेस भय लगुच भाई से रिक्वेस्ट मना कर मना कर चार दिन बंद करने डर लगुच कहीं पाखे पाखलानी घर पाखे पानी बारे हे ए समुद्र आम बचू ना न मरबू ना जना ना खो ये तोफान आईटा तो आमको जना पड़ना अन्य मैंने अच्छा प्रतिक्रिया ना कौन कहे के डर लगुच कहीं बात आसुच्छे आसुनी तेलुगु संप्रदायर लोक मैंने से प्रतिक्रिया जहाँ शुणुते कि डर टी लगुच कहीं अंपटे आप देखिए समस्त मत्स्यजीवी मैंने उपस्थित अच्छा क्यार पर्सन अच्छा दृश्य देखे कौन भाव मत्स्यजीवी मैंने उपस्थित अच्छा कई भाव सुरक्षित भाव जो डंगा जाल गुड़िक रही डंगा जाल गुड़ को कमी सुरक्षित स्थान को वर्तमान समय दृष्टि देखते हैं देखिपे क्रेन साहय किसी डंगा जो रही निकटवर्ती अंचल सीधासल भाव आर्जेपल दृश्य देखुए कहीं ये समुद्र निकटवर्ती अच्छी मात्र 50 मीटर दूर जेहतु तो समुद्र रही ग्राम ठार् तेणु देखिए बर्तमान समय आतंकित अच्छे अन्य अच्छा प्रतिज्ञा कौन कहे के भयभीत अच्छे जेहतु बात बहुत अच्छे भाई एवं दी तीन वर्ष गाँ पलैला अच्छी कि लगुच मात्र 4-5 वर्ष रही ये बहुत पाक आई 10 वर्ष पूर्वे से बहुत किलोमीटर पर्वे था 2 किलोमीटर थी एवं आईल एति आईलानी आर्ष 2 वर्ष पर तो गाँ पल कि गवर्नमेंट किलोमीटर बारह पाक बात्या पुणी आसुच्छे आप लगुच कि आउट के खाई जो पूरा टेंशन नहीं पूरा गाँ सारा पड़े माने गाँ रही भय लगुच गाँ पल आप देखिपे कैमेरा पर्सन दृश्य देखे गोटे मंदिर आप देखिए चित्र ये मंदिर टी आप देखिए अल्प टिके लग रही कूल को आउ ये गोटे जदि बात्यार प्रभाव जी उच्च जुआर आसे ताल ये मंदिर समुद्र में मिशिजा थय किद ते आप जानते हैं आर्जपल्ली अंचल गोटे माछ जो मत्स्यजीवी मैंने गोटे रेड सेट होता से रेड सेटा से समुद्र भितर लीन हो जाता कितु बर्तमान समय आप मंदिर देखुं ए मंदिर ये समुद्र गर्भ में मिशिजा थय तो आप अनुमान करूँ जो क्यों भाई भाव कूल लंघुच आर्जपल्ली कहीं डेंजर जोन ये रही कूल लंघुच प्रायतः तेणु बात्यार प्रभाव एटी पड़पे तेणु आवश्यक स्थल जो जिला प्रशासन आज बैठक करते आवश्यक स्थल एठाकर लोक बात्यास्थल को स्थानांतरित हुए आउ सब बड़ कथा गुड़िक हूँ आर्ज आप जानते हैं जो बात्यास्थल गंजाम जिले अच्छी
ସେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି, ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇପଡ଼ିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଫା ହୋଇପାରିବ, ସେଠି ଲୋକ କେମିତି ରହିପାରିବେ, ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ଆଲୋକୀକରଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ, ତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରାହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 24x7 ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଛନକା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କାହିଁକିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି କି ଯେତେ ଥର ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ସେତେ ଥର ପାଖକୁ ପାଖକୁ ସମୁଦ୍ର ଆସୁଛି, ହୁଏତ ଆଉ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ଗାଁ ବି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବିଷ୍ମୟ, କି ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀରେ ବାତ୍ୟା ଯଦି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହେଲେ ତାପରେ କେଉଁଭଳି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହେଲା ସେଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, NDRF OGRF ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ଏବଂ ଭୀଷଣ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ନେଉଛି, ବାତ୍ୟାର ଗତିବିଧି ଗତିପଥ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭୀଷ୍ମ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।